ओके okay, क्या बोल रहे हैं एक्सप्लेन द मीनिंग मीनिंग्स ऑफ मेलियबल एंड डक्टाइल मेलेबल का मतलब क्या होता है डक्टाइल का मतलब क्या होता है अब ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड डेफिनेशन है राइट right? बुक में जैसा है वैसे ही आपको लिखना है करेक्ट अब इसके लिए काम करते हैं इसको पहले हम लोग बोल देते हैं कि मेलिएबल मतलब क्या अब मेलिएबल वाली प्रॉपर्टी किसके पास होती है मेटल्स के पास है ना लेकिन ये कैसे मेटल्स होते हैं ये वो मेटल्स होते हैं जिनको हम लोग शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या कर सकते हैं शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं थिन शीट्स कन्वर्ट कर सकते हैं थिन शीट्स में जिनको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं पतरे में कन्वर्ट कर सकते हैं मतलब है? मतलब है, है मेटल से क्या निकाल सकते हैं वायर्स और मेलेबल मतलब क्या है पतरा शीट्स ओके तो ये वाला किस चीज का एग्जाम्पल है ये कौन सी प्रॉपर्टी है ये पतरा है ना शीट है तो दिस इज मेलेबिलिटी प्रॉपर्टी मतलब शीट में कन्वर्ट किया आपने एक मेटल को तो दैट इज कॉल्ड एज मिलेबिलिटी प्रॉपर्टी एंड ये वायर में कन्वर्ट किया ये क्या है वायर है तो बेसिकली दिस इज डक्टिलिटी प्रॉपर्टी ये डक्टिलिटी है क्योंकि यहाँ पर क्या है आपने वायर बनाया है और यहाँ पर क्या बनाया है शीट बनाया है मेटल शीट बस इसी को हम लोग डेफिनेशन के फॉर्म में लिखेंगे क्या लिख सकते हैं हम लोग फर्स्ट और एग्जाम्पल भी थ्रो कर लेते हैं ना क्योंकि एक्सप्लेन करने के लिए बोला है तो वी विल यूज सम एग्जाम्पल ऑल्सो पहले मेलेबिलिटी के बारे में बात करते हैं मेलेबिलिटी रेफर्स टू द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल्स डेट कैन बी डेट कैन बी इजीली आई प्रेस्ड और रोल्ड और रोल्ड इंटू थिन शीट्स विदाउट ब्रेकिंग और क्रैकिंग बिना ब्रेक हुए बिना क्रैक हुए अगर वो शीट में कन्वर्ट हो पा रहा है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग मिलेबिलिटी प्रॉपर्टी इसके एग्जाम्पल क्या देंगे हम लोग मिलेबिलिटी प्रॉपर्टी के वी विल एड गोल्ड एन सिल्वर गोल्ड एक है गोल्ड एंड सिल्वर आर हाईली मिलिएबल ये हो गया मेलेबिलिटी के बारे में अभी डक्टिलिटी के बारे में बात करते हैं डक्टिलिटी मतलब क्या है डक्टिलिटी रेफर्स टू द प्रॉपर्टी ऑफ मटीरियल्स इसको हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं भाई डक्टिलिटी रेफर्स टू द प्रॉपर्टी ऑफ द मटीरियल्स दैट कैन बी इजिली दैट कैन बी इजिली क्या कर सकते हैं इसके साथ दैट कैन बी इजिली डिफॉर्म्ड और एलोंगेटेड डिफॉर्म्ड और एलोंगेटेड सो दैट इट कन्वर्ट्स टू वायर्स ठीक है डेक्टिलिटी रेफर्स टू द प्रॉपर्टी ऑफ मटीरियल्स दैट कैन बी इजिली डिफॉर्मड और एलोंगेटेड सो दैट इट कन्वर्ट्स टू स एग्जाम्पल क्या देंगे इसमें डक्टिलिटी डक्टिलिटी में डक्टिलिटी uh, में. में देखो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं मतलब इफ यू रियली वॉन्ट टू गो फॉर इट लेकिन सबसे जो बेस्ट है वो है कॉपर है प्लेटिनम uh, आप डाल सकते हो तो दीज आर टू एग्जाम्पल्स विच यू कैन रियली पुट प्लेटिनम एंड यू कैन ऑल्सो गो फॉर कॉपर आर हाईली ड ठीक है तो हमने दोनों के डेफिनेशन दे दिए हैं कि मेलेबिलिटी मतलब क्या थिन शीट्स में कन्वर्ट करने का प्रॉपर्टी और डक्टिलिटी मतलब वायर्स में कन्वर्ट करने का प्रॉपर्टी एंड मेलेबल के एग्जाम्पल गोल्ड एंड सिल्वर डक्टिलिटी के एग्जाम्पल प्लेटिनम एंड कॉपर